हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आप लोग देख सकते हैं हमने ताला वाला अपने घर पे लगा दिया। आज हम कहीं जा रहे हैं, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रही हैं तो हम आप लोग को दिखा सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, हमने दोनों चैनल में ताला लगा दिया है। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा भोरे अभी यहीं पर है तो हमारा भोरे मस्तू अब रहेगा घर पर, और कोई नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा घर छोटा सा, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें तो आप लोग को हम दिखा सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी चाबी गिर गई, तो आप लोग देख सकते हैं हमने चाबी ले लिया घर का। अब घर से मैं निकल रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हम घर से निकल रहे हैं। तो हमको घर से निकलने के पहले सर पर पल्लू करना होता है, तो हमने सर पर पल्लू कर लिया है। तो अब चलते हैं घर के बाहर, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंदर तक बने रहें, आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ। हम घर से काफ़ी दूर, तो हमने पल्लू कर लिया है सर पे, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये देखिए सिवान में पहुंच चुके हैं, यानी खेत खेत है यहाँ पर। ये मेरा बेटा युवराज साइकिल से जा रहा है और मैं पैदल जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बस तो काफ़ी दूर हम जा रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। ये मेरा छोरा तो साइकिल से जा रहा है, मेरे तो पैर दुख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर धान की कटाई अक्सर ज़्यादातर हो चुकी है, तो आप लोग को हम लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ साधन नहीं है कोई जाने के लिए, तो हमको पैदल ही जाना है। ये तो साइकिल से जा रहा है पर मेरे को नहीं बैठा रहा है, ये देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंदर तक बने रहें, आप लोग को हम पूरी वीडियो दिखाते हैं कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। आप लोग को बताऊँगी कि मैं कहाँ पे आई थी, तो आप लोग मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी धान भी खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम कितने खुजाट में आ गए। यहाँ घास वास बहुत सारी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर है नहर, तो ये है नहर की पटरी, खाले खाले हम जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तो अकेला आने में डर लगता है, मैं कभी नहीं आती, यहाँ अपने बेटे के साथ आती हूँ जब खेत आती हूँ। तो फाइनली आप लोग को हम बता सकते हैं कि हम आ रहे हैं खेत, तो आप लोग को हम दिखाएंगे कि हमारा खेत कहाँ पर है। आप लोग देख सकते हैं नहर थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ नहर, तो यहाँ पर ऐसे ही है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा बेटा युवराज घर के जा रहा है नहर में, तो हम भी इसी तरह जाएंगे इसी मिल के। कोई पुल का सुविधा नहीं है खेत जाने के लिए, तो इसी नहर में हिल के जाना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब मैं भी जा रही हूँ खेत में इसी तरह से जैसे मेरा बेटा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम भी नहर में उतर चुके हैं, ये देखिए। अब मैं भी जाऊँगी इसी नहर, बहुत ठंडा पानी है। अभी सुबह सुबह टाइम है, 9 बज रहे हैं सुबह, मैं जा रही हूँ खेत इसी नहर में ही। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ठंडा पानी है, भीग गए। तो दोस्तों कपड़े तो भीग गया, तो फिर देख के जाएंगे घर, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये नहर हमने कर दिया है पार, आप लोग को हम फिर से दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने चप्पल, ये देखिए इसी नहर में हिल के आना पड़ रहा मुझे, तो हम हो गए पार, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। तो चलते हैं हम खेत की ओर, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों आप लोग को जैसे हम बताया था कि हम खेत जा रहे हैं, तो हम अपने खेत पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा धान अभी कितना हरा है, अभी भी एक काटन लाग नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सारा खेत कट चुके हैं यहाँ पर। तो हमारा ही खेत पड़ा हुआ है अभी, यहाँ पर नहीं पका है, कहीं दूरी दूर खेत पर है हरा धान। तो अभी मेरा धान कच्चा है, तभी मेरे इसको नहीं काटना है, आप लोग देख सकते हैं। हम काटेंगे अब, देखो कब पके गए, आप लोग देख सकते हैं। मेरा बहुत थोड़ा छोटा सा खेत है, तो आप लोग हमारे वीडियो में तो बने हैं, हम अपना खेत दिखाते हैं और धान भी दिखाते हैं साथ साथ, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरे पैर में कांटा भी चुभ गया नहर में, बहुत दर्द हो रहा।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे खेत के पास नहर है, तो ये देखिए नहर हमारे खेत के बगल बगल ये पेड़ है बबूल का। तो देखिए मेरा धान अभी हरा है थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इधर देखिए ये जो खेत सबका कट गया, अभी मेरा खेत नहीं कटा, अभी हमारे मेरा धान हरा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं काफ़ी दिनों के बाद खेत आती हूँ, तो हमने सोचा हमने एक छोटा सा ब्लॉग बना ले, तो आप लोग हमारे वीडियो अंत तक बने रहें, मेरा ब्लॉग देखें और बहुत ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कोई पानी लगाया अपने खेत में, तो मैंने सोचा मैं भी जाऊँ देखूँ मेरा धान पका हो, तो मैं भी अपने खेत में पानी भर दूँ। अभी मेरा धान नहीं पका है, तभी मैं पानी नहीं भर सकती क्योंकि धान पकेगा इसको कटेंगे, कटाई करेंगे और पीटा जाएगा तभी जो है भरा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा धान। दोस्तों फिर हमने खेत देखकर लौट आए, फिर आ गए उसी नहर के पास जिसको हमको पार करना है, तो आप लोग देख सकते हैं ये नहर आ गए, फिर उसी में चले डुबकी लगाएं। ये देखिए आज तैयारी कर लिया नहर में जाने के लिए, पहले इसकी बारी तो फिर बाद में मेरी बारी, अब ये जाएगा। दोस्तों हमने गंगा पार कर लिया, हम निकल गए नहर के पास, आप लोग देख सकते हैं हम आ गए नहर के पास। तो कपड़ा तो हमारा गया भीग, अब हम ले रहे हैं चप्पल हाथ में, अब कर रहे हैं चढ़ाई। चलो ये देखिए फ्रेंड लोगन, इस तरह की है हमारी खेती, बहुत मुश्किल की खेती। तो दोस्तों देख सकते हैं कपड़े उपड़े तो गए भी, अब चलते हैं घर की ओर, अब होगा घर में स्नान। दोस्तों हमने आप लोग को दिखा दिया मेरी खेती कितनी मुश्किल है जाना खेती करना, तब भी करते हैं सब लोग करते हैं हम भी करते हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर देखें और ढेर सारा सपोर्ट करें प्लीज़। मेरा बेटा अभी साइकिल लेने गया है, अब हमने नहर पार करके आ चुके हैं, अब जाएंगे घर, तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम नहर के पास ही हैं। अभी मेरा बेटा साइकिल लेने गया, आप लोग को दिखा सकते हैं, अभी काफ़ी दूर है, अभी दिख नहीं रहा है बहुत ही, यहाँ पर क्या कहते हैं घास या क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत है झील जाकर, तो आ रहा है वो आ गया मेरा बेटा, युवराज आ गया, ये गया एंट्री कर दिया, वो जा रहा, अब फिर मुझे को पैदल ही जाना है, मैं चलते हैं घर के ओर, घर पर।